24 फरवरी पिछले 24 घंटा में उड़ीसा का सभी जगह में ड्राई व सूखा वेदर ही था। आज मॉर्निंग में फॉग रिपोर्ट हुआ है भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, केंद्रपाड़ा, बारीपदा में। मिनिमम टेम्परेचर लोएस्ट था फुलवानी प्लेन्स एरिया में 13.0 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम टेम्परेचर हाइस्ट कल था तालचेर, नयागढ़, बोध 38.0 डिग्री सेल्सियस। भुवनेश्वर सिटी में हमारा टेम्परेचर था 37.0 डिग्री सेल्सियस कल का मैक्सिमम, आज मिनिमम था 21.7 डिग्री सेल्सियस, और मॉर्निंग में फॉग में रिपोर्ट हुआ था। अभी डे टेम्परेचर व मैक्सिमम टेम्परेचर स्वाभाविक से मेनी प्लेसेस में 3 से 4 डिग्री तक ज्यादा है। अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट अभी हमारा है, अगला 5 दिन ही सभी जगह में ड्राई व सूखा वेदर रहने का चांसेस है, और मॉर्निंग आवर्स में कोस्टल ओडिशा का कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट और एडजॉइनिंग इंटर डिस्ट्रिक्ट में फॉग होने का चांसेस है। जैसा कल सुबह हमारा नॉर्थ कोस्टल ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट खुर्दा, गजपति, गंजाम, पुरी, ढेंकनाल, नयागढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में फॉग आइसोलेटेड पॉकेट्स में होने का चांसेस है। अगला 2-3 दिन ही फॉग मॉर्निंग आवर्स में होने का चांसेस है, और मिनिमम टेम्परेचर में व मैक्सिमम टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर डे टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। अभी जैसा हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर व डे टेम्परेचर स्वाभाविक से 3-4 डिग्री कुछ कुछ स्थानों पर ज्यादा है, इस तरह से ही रहने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में मेनली क्लियर स्काई रहेगा, कल सुबह टाइम फॉग होने का चांसेस है कुछ कुछ एरिया में, और मिनिमम टेम्परेचर कल हमारा 21 का आसपास रहेगा, आज मैक्सिमम 36-37 का बीच में रहने का चांसेस है।